प्रदेश भर में महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की है, जिसमें भिंड के लहार कलेक्ट्रेट में स्थित अनुविभागीय अधिकारी के दफ्तर में सैकड़ों की तादाद में चिलचिलाती धूप व भूखी प्यासी अपने हक की आवाज को अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स फेडरेशन एवं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वहां पहुंची। वहां सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारी केवी को देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की तो आगामी दिनों में और भी बड़े आंदोलन और प्रदर्शन होंगे। इस पूरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का ज्ञापन मनीषा श्रीवास्तव और सचिव स्वाति श्रीवास्तव के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जहां पर विशाल जनसभा के माध्यम से कलेक्ट्रेट में तहसीलदार के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तदोपरांत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्वसम्मति से मनीषा श्रीवास्तव जो कि अध्यक्ष हैं, माधुरी बदेल जो कि उपाध्यक्ष हैं, स्वाति श्रीवास्तव सचिव, अंजना परिहार महासचिव, शैली श्रीवास्तव महासचिव, आरती कौरव आलमपुर मीडिया प्रभारी, अमृता चंसोलिया दबो मीडिया प्रभारी, ललित बिरथरे लहार मीडिया प्रभारी को निम्नलिखित पदों से सुशोभित कर आगे की कार्य योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या घटना कम था ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वेतन के ऊपर है, उनको जो मानदेय मिल रहा है वो कम है, वो बढ़ाने की नरेंद्र मोदी जी से भी और हमारे सीएम साहब से भी दोनों आवेदन लिया है और ये हम पहुंचे काम करते हैं और सारी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। शुरुआत तो हम लोगों से ही होती है, गांव से ही आगे जाती है, जब जो नींव गांव से उठती है वही तो ऊपर तक जाती है, इसलिए हम लोगों को परमानेंट करें और हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए। यही कारण है कि हम लोग काफी परेशान हैं और कितने टाइम से हम लोग जो है काम किए जा रहे हैं, बराबर हम लोग को 10,000 में इतना काम करवाते हैं कि पूछो मत। और हम लोग ऐसा अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर हम लोग धरना रख के बैठ जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे हम लोग। हम लोगों का 28 तारीख को कल भिंड में था, ऐसा ही कलेक्टर सर के यहाँ भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, आज हम लोग SDM सर के यहाँ पर आए हैं ज्ञापन देने के लिए और हमको उम्मीद है कि सर हमारा कार्य जो है SDM और वो सॉरी CM महोदय तक पहुँचाएंगे। अगर सर इसी तरह से चलता रहेगा तो हम लोग अनिश्चितकाल और सारे काम बंद कर देंगे। फास्ट समाचार के लिए भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट।